बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। मैं आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे लेकर आया हूँ ये एक बड़ा 2 इंच चौड़ी पैपिंग। मुख्तलिफ कलर के कपड़ों को जोड़ते हुए ये पैपिंग तैयार करने का तरीका और इसको लगाने का तरीका, और इसके कार्नर भी बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि ये चौड़ाई में है ना पैपिंग, तो इसके कार्नर थोड़े मुश्किल हैं। लेकिन आपको ऐसा तरीका बताऊँगा ये कार्नर भी आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे जी। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये कढ़ाई वाला सूट है, इसमें कढ़ाई में जो कलर हैं उस कलर के हिसाब से मैं ये पैपिंग निकालूंगा। ये हमारा मैरून कलर है, ये पिंक कलर है, उसके बाद ये फिरोज़ी कलर है। इन तीनों कलरों की मैं पट्टियां काट लूँगा पैपिंग निकालने के लिए। ये मैंने इन तीनों कलरों की पट्टियाँ बना ली हैं। जितना हमारा घेरा है, गला है, बाजू हैं, उसके हिसाब से मैंने ये पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और इन पट्टियों को मैं आपस में मुख्तलिफ कलरों को जोड़ लूँगा। इन पट्टियों को मैंने मुख्तलिफ कलरों को आपस में जोड़ लिया है। ये मुख्तलिफ कलर मैंने अटैच किए हुए हैं, सिलाई किए हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम तिरछे रुख से करेंगे क्योंकि तिरछे रुख की जो पैपिंग है वो बहुत प्यारी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। ये डिज़ाइन आजकल बहुत इन है, बहुत चल रहा है, ये बहुत पॉपुलर डिज़ाइन है। ये चौड़ी पैपिंग घेरे चौकस पे, गले पे और बाजुओं पे। इसकी जो मेरा स्केल है उसकी 1.5 इंच चौड़ाई है, लिहाजा हम इसको पट्टियों को भी 1.5 इंच काटेंगे। ये पैपिंग वाली पट्टी का भी हम 1.5 इंच रखेंगे और जो हमने पहले पट्टियाँ काटी थी उनका भी हम साइज़ 1.5 इंच रखेंगे। तो ये इसके हमारी जो पैपिंग है वो 1/2 इंच जो है तैयार हो जाएगी। ये मैंने एक पट्टी एक तरफ से कटिंग कर ली है। आपने घेरे चाक गला बाजू के हिसाब से आपने ये पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है और इनको तिरछे स्टाइल में ही आपने इनको जोड़ लगा देना है। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई से ये पट्टी है काट ली है। इस तरह हम इस सब की पट्टियाँ काट लेंगे। ये मैंने पट्टियाँ सारी काट ली हैं, इसको हम तिरछे स्टाइल में जोड़ लगा लेंगे जितना हमें घेरे चाक और गले के लिए चाहिए। यह मैंने एक साइड से इसको एक पाँव का मार्जिन फोल्ड कर लिया है ताकि हमारी पैपिंग जो है इस बैक साइड में इसको मैं हमने इसी कपड़े को फोल्ड करना है तो ये बड़ी फिनिशिंग के साथ पैपिंग बनेगी। तो इसको आगे से हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और हिप से 1 इंच ऊपर रख के हम इसको शुरू कर लेंगे। यहाँ से हम डबल स्टिच कर लेंगे और हल्के हाथ के साथ, यानी कि पैपिंग को हमने पैपिंग के कपड़े को हमने खींचना नहीं है और ना ही शर्ट के कपड़े को हमने खींचना है, और हल्के हाथ के साथ हमने इस तरह एक पाँव के मार्जिन से हमने सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही प्यारी पैपिंग बनेगी, बहुत खूबसूरत पैपिंग बनेगी। अब मैं आपको इसका कार्नर बनाने का तरीका बताता हूँ। ये कपड़े के साथ आपने इस तरह निशान लगा लेना, जिस तरह ये जहाँ पे ये कपड़ा घेरे का कपड़ा ख़त्म हो रहा है इस तरह आपने तिरछा भी निशान लगा लेना है। एक पाँव के मार्जिन को छोड़ते हुए आपने इस तरह इसको डबल स्टिच कर लेना है यहाँ से तिरछे स्टाइल में। ये मैंने यहाँ से डबल स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने जो निशान लगाया था कपड़े पे उसको हमने इस तरह फोल्ड कर लेना जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह हमने फोल्ड करने के बाद घेरे के साथ इस तरह हमने रख लेना है और उसके ऊपर आप हमने सिलाई लगा देनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ। जो घेरे का दूसरा कार्नर है उसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पैपिंग जो हमारी बनेगी ये इस तरह ये फोल्ड होगी। देखें ये कितनी खूबसूरती के साथ ये पैपिंग हमारी फोल्ड होगी और कार्नर भी बहुत प्यारा और बड़ी फिनिशिंग के साथ बना है। ये मैंने आपको इसका डेमो दिखा दिया है। अब हम दूसरा जो कार्नर है वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि इसको समझ ना आइए वो दोबारा देख लीजिए। हमने घेरे के साथ जो कपड़ा है वहाँ पर हम निशान लगा देना है। ये यहाँ से मार्जिन, एक पाँव का मार्जिन के बाद हमने इसको तिरछे स्टाइल से, ये तिरछा मैंने कर दिया इसको, इधर हम स्टिच कर लेंगे। जिस तरह ये मैंने निशान लगाए हैं आपने भी इस तरह निशान लगा लेने हैं और आपका ये कार्नर है बहुत प्यारा बनेगा। अब जहाँ पे हम पैपिंग वाले कपड़े पे निशान लगाया था उसको हम फोल्ड कर लेंगे जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है और उसके बाद अपनी इधर एक पाँव के मार्जिन से आपने सिलाई लगा देनी है। ये कार्नर भी हमारा उसी स्टाइल से मैंने बनाया है
और ये कॉर्नर भी बहुत प्यारा बनेगा जी। ये हमने लगा दिया, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये एक आधा इंच के मार्जिन से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये बगैर बुकरम बगैर पेपर पेस्टिंग से हम इसको बना रहे हैं। जो नीचे वाला जो कपड़ा है, घेरे का जो कपड़ा है, कपड़ा अपना कमीज़ का जो कपड़ा है, उसको हमने पैपिंग वाली साइड पर रखना है। इस तरह हम इसको फोल्ड करते रहें। ये बैक साइड से हम देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह फिनिशिंग के साथ ये बैक साइड से भी डेढ़ इंच के मार्जिन से आप इसको कटिंग करेंगे तो ये आधा इंच की जो चौड़ाई पैपिंग की है ये बड़ी बेहतरीन बैठेगी। ये पीछे से भी बिल्कुल बेहतरीन, ये देखें इस तरह ये बन जाएगी। आपने ऊपर से जो मार्जिन है वो आधा इंच रखना है तो ये नीचे से जो खुद ब खुद ये सिलाई के नीचे आती जाएगी। नरम हाथ के साथ, क्योंकि कपड़ा ये अरेब है, नरम हाथ के साथ आपने ये सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है। अगर कहीं से भी आपको कोई मसला आ रहा है, अगर आप बना रहे हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे रिप्लाई ज़रूर करना है। जब हमारा कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर पर हमने इसको कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो खुद ब खुद ही फोल्ड हो जाएगा, जब बनाएंगे ये देखें ये खुद ब खुद ही ये फोल्ड हो जाएगा जिस हिसाब से मैंने कॉर्नर पहले तैयार किया है। बस आपने आधा इंच का मार्जिन फ्रंट से रखते हुए आपने सिलाई लगाते जाना है, स्टिच करते जाना है। ये बगैर पेपर पेस्टिंग के ये बहुत प्यारे घेरे बन रहे हैं। पेपर पेस्टिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, लेकिन ये मैं जो बना रहा हूँ ये बगैर पेपर पेस्टिंग के, इसमें कोई पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं की हुई, सिर्फ कपड़ा यूज़ किया है। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें, और आल बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर किस्म की वीडियो जो मैं भेजता हूँ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। यह हमारा दूसरा कॉर्नर है, ये देखें जो खुद ब खुद ये कपड़ा बैठ रहा है। यह आपने इसको फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर आपने स्टिच कर देना है। ये आधा इंच के मार्जिन से हम ये पैपिंग निकाल रहे हैं। ये डिज़ाइन आजकल बहुत इन है, बहुत चल रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। जब जब बन जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, मैं आपको चेक कराऊंगा, ये बहुत प्यारा लगता है। मैंने कलर अपनी पसंद से लिए हुए हैं, आप अपने कपड़े के हिसाब से जो उसमें कलर हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ये इसका तरीका भी बता दिया है कि यह आपने ये पैपिंग किस तरह लगानी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पैपिंग बनी हुई, कॉर्नर भी बहुत अच्छा बन गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप इसी तरह पैपिंग इसको लगाएंगे चौड़ी पैपिंग, तो ये आपकी बड़ी फिनिशिंग के साथ ये पैपिंग लगेगी। ये इसको मैं मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म में कोई डाउट ना रहे। जी ये हमारा हिप आ गई है और हमने ये एक साइड मुकम्मल कर लिया। इसी हिसाब से आपने बैक साइड की पैपिंग निकाल लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पैपिंग तैयार हो गई है, बिल्कुल एक जैसी है। ये देखें एक जैसी पैपिंग है, कॉर्नर भी अच्छा बना हुआ है। ये हम तिरछे स्टाइल से काटी थी, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये कॉर्नर हमारा दूसरा, कॉर्नर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये मैंने इसे गले पे भी बनाई है, पैपिंग निकाली है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये गला। आपने एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करना है। ये बाजू में भी निकाली है और ये दोनों बाजू में पे और नीचे घेरे पे। वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।